किसान भाइयों, रात बारिश पड़ी थी और ये थोड़े से गांडे लेकर सवरा 735 स्लिप मार गया। अब इनका शक्तिवान ट्रैक्टर आया है, ये भी इनका है, निकाला जाएगा, बड़े जोर लगाए जाएंगे। ये बैक में निकाला जाएगा, निकल जाएगा। ये खेत गाले गारा हो रही है बिल्कुल, खेत में स्लिप मार रहे हैं टायर। देखिए कितनी बारिश हो रही है, शक्तिमान 55। स्लिप मार रहे हैं, किसान की बड़ी दुर्गति आई। अब के तो 8 दिन बारिश पड़ रही है बेटे। एक मिनट, अरे हाथ लगवा दो, टोली का हाथ, टोली भी दिखाओ, टोली बोलने मत रहा, टोली का हाथ लगवाओ। ले गया ले गया ले गया, शाबाश शक्तिमान बेटे, ले गया खींच के। फिसलन हो रही है खेत में, बहुत बुरा हाल है। वाक्य आगे भी हल्ला हो रहा, देखिए पानी भरा हुआ है, रात बारिश पड़ी है, बहुत खेत गिल्ला हो रहा है। ट्रैक्टर बेचारा क्या करे, थोड़ा हाथ लगा दो टोली है। गारा हो रही है, स्वराज बहुत झटके लगाए जा रहे हैं, इसे बांध लो। तो सवेरे अब से 3 घंटे पहले तो बारिश पड़ी, पानी भर रहा खेत में, ट्रैक्टर क्या करे बेचारा। जैसा तुमने 60-55 भी रखा और भी रखे, यो इसे क्या अनुभव हुआ इस ट्रैक्टर को रखे तो? बहुत ठाड़ा है देखने में भाई, अनुभव यो है 60-55 से कम नहीं है किसी भी तरीके से। अच्छा मुझे एक बात है, इसमें तो सामान भी कम लगा रखे, जैसे यजदी मोटरसाइकिल में हमारा कम दिखाई देते, बस केला पंप ही दिखाई दे रहा, बाकी और कुछ है ही नहीं सामान। अंजनी रखा और सारा, हाँ नहीं बाजे में तो घिच पिच रहे मार मुलक के सामान। यो इसमें HMT का इंजन दिया ना कंपनी ने, जीटर का 59 का इंजन है। अच्छा वही है, हाँ वही है, नाम 55 का दे रखा पर काम तो वही करेगा जो इंजन है इसमें। अच्छा डीजल खर तो फिर कम होगा इसका, डीजल इसका 60-55 से कम है। 60-55 से, हाँ वो ज़्यादा ही खावे था, ज़्यादा ही खावे है। और वो तो यू है, अब थाम के कोई चला लो अलग बात है, नहीं मैंने 6 महीने रखा, मतलब दिल खोल के नहीं चलाया गया वो, मैंने खोल के चलाया वो, लीवर खोल के तो पूरा खाया होगा। ठीक है, अब कोई कह लगे 2 लीटर करे, वो 5 भी खा जाता, 6 भी खा जाता और 10 भी खा जाता। इसे भी चलाऊं मैं, कभी लीवर ठहरता नहीं ना कंट्रोल का ना, वैसा इसमें नहीं आता वो, इसमें जो है ये उससे तेल कम खाता है खाता। तो हो सका कुछ इंजन में कुछ गड़बड़ हो उसमें, पंप वगैरह में नहीं, ये सब में ये समस्या। अब कह नहीं सकता चीज को, मैं वैसे भी 2 पीस बदल के लाया था, एक चेंज कर आया था फिर दूसरा लाया था, दोनों में एक ही बात है, सभी का खर्चा ऐसे ही था। जबकि कंपनियां यूं कह रही है कि अब आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई, तेल तो सूंघते हैं ट्रैक्टर। हाँ जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी वो कहावत है पुराने चावलों में बरकत है बिल्कुल। अब ये जो है यहाँ अब का इंजन थोड़ी है HMT वाले को, जीटर का
ये हिंदुस्तान में सबसे पहला DIN। अच्छा, मुझे तो ये पता नहीं है मार्केट कैसा कम होगी। मुझे तो बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, जिसके पास भी सभी तारीफ करते हैं शक्तिमान की। देखो ऐसा है, ये हमारे इधर है नहीं, गुजरात में चल रही है और बिना बराबर निकाल रहे। अब जो इसका 19 का 18 का मॉडल है 20 में आ रहा है। अच्छा, वो ब्लू कलर में आ रहा है, फार्म ट्रेक वाली 100 में है लगभग। अच्छा, वो चेंज। अच्छा, वहाँ आ रहे नहीं? हाँ नहीं आ रहे, अब कोई भी ला सकता है। हमारे यहाँ नहीं, 2019-20 कोई सा मॉडल ला सको, ये 12 मॉडल है। अच्छा अच्छा, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है और मार्केट में भी सस्ता है, किसान के लिए बहुत बढ़िया है, जबरदस्त ट्रैक्टर है। ये लिफ्ट वगैरह वही है, बदली है कुछ? ये तो इसके साथ ये है, सब कट ली है, चल के 12 मॉडल है, देखो कैसा होगी। तो ये जबरदस्त ट्रैक्टर यूज हुआ है तो ये तो, हाँ नहीं सही बात है, बाकी ये पट्टी तो जो भी तो है इतनी कुल मिलाकर यो है, ट्रैक्टर बढ़िया निकला। किसान भाई अब लगेंगे जोर, कुछ देखना ऊंचा मुकाबला होगा। अगला राउंड शुरू हो गया है, डेढ़ लग्या लग्या आप निकल जाएगी। दोस्तों गिल्ला हो रहा, खेत बिल्कुल पानी भर रहा है, खेत में दिक्कत ही आ गई। किसान भाइयों अब ट्रैक्टर पिछली तरफ जोड़ा जाएगा, क्योंकि आगे सारी पेटी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसमें बोर्ड है और पेटी रखी जाएगी, पहियों सारी खुल जाएगी। अब देखिए खालिश ट्रैक्टर चलता भी स्लिप मार रहा है, बुरा हाल है, मौसम ख़राब है। अब इसको यहाँ जोड़ा जाएगा, इसे बैग में खींचा जाएगा ट्रॉली को, और फिर इस भान में को निकाली जाएगी। बहुत लंबा सफ़र लगेगा, गन्ने ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से होंगे 15-20 क्विंटल। सवाल वजन का नहीं है, सवाल है पैर नहीं जम रहे ट्रैक्टर के। कुछ मेरे दोस्त कमेंट करते हैं मेरा ट्रैक्टर यहाँ 100 क्विंटल निकाल कर ले जाएगा। तो भाई जुबान है, जिसकी गाड़ी खड़िया ही हो ना उसी पता रहे, बाकी तो आदमी जुबान चला दें। इनके भी ट्रैक्टर ये महाबली है, सबराज भी कमज़ोर नहीं है, ये शक्तिमान 55 HP का है, तूफान ट्रैक्टर है, लेकिन लाचारी है, पैर नहीं जम रहे। ट्रैक्टर से घना तो झोटा जोर लगा दे आले में, जो उसके पैर कट जाना वो जोर अच्छा लगा देगा, लेकिन ट्रैक्टर बेकार हो जा। अब पीछे को ट्रोली खींच जाएगी, चलो चलो शाबाश ले गया ले गया। देखिए किसान भाइयों कितनी दिक्कत पड़ रही है किसान को, ट्रैक्टर स्लिप मार मार के चल रहे हैं। अब ये खेत से बाहर निकाली जाएगी और जो छोटा छोटा है ये गन्ना बाहर भरा जाएगा, तो सवाल ही नहीं उठता इसका। अब इस ट्रैक्टर को शक्तिमान को महाबली को सबराज के आगे जोड़ा जाएगा। फिर फांसा का अकेला ट्रैक्टर जोर लग रहा है, मैं चल तो गया भाई, चल गया टेढ़े यो फांसे का फेरी से।
बेटे ले गया ले गया ले गया ले गया। देखिए दोस्तों अब ताकत दिखा रहा है, लिकड़ा लिकड़ा ताकत दिखा रहा हो गया। अब ये घुमा के दोबारा लाया जाएगा, इसमें गन्ने भरे जाएंगे दोस्तों, फिर भरने के बाद फिर महासंग्राम होगा। किसान भाइयों अब इसमें गन्ने भरे जाएंगे, ये पिकोवा करेंगे वहाँ पार्ट के। फिर है दोनों ही जीती जीती जाट और क्या, एक पर निकट ली गंडा अगर होगा 40 कुंटल निकट जाएगा, अगर भर दिया 60 फिर नहीं निकले, 60 ही भरा जाओगे पर डेढ़ की 60 जावे बिल्कुल नहीं निकलेगा। अच्छा 6 ट्रैक्टर लिए तुम भाई, तो अभी मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं तो 30-40 कुंटल गंडे हैं। हाँ भाई तो वहीं ले गए पट्ठे, एक का कर दिया ना जल्दी आप यहाँ आ गया जल्दी घर जाएगी। दोस्तों अब इसमें गन्ने भरे जाएंगे, तब फिर जोर लगाए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और औरों को भी शेयर करना कि बरसात में ट्रॉली ना भरें, चाहे एक दिन रुकना पड़े। अगर ये ट्रॉली को कल भरते मतलब एक दिन और लेट तो ये दिक्कत नहीं आती। नमस्कार।